अस्सलाम वालेकुम, मैं जमूम सऊदी अरब से। जैसे कि आप जानते हैं, करोना वायरस अभी पूरी दुनिया में फैल चुका है, तकरीबन 200 मुल्कों में जा चुका है, फैल गया है। तो इसके मुतालिक से ये 2-2.5 मिनट की वीडियो है, ये प्लीज़ ज़रा गौर से सुनना बराए मेहरबानी। मैं सऊदी अरब में जॉब करता हूँ, हाउस ड्राइवर हूँ, घर का ड्राइवर हूँ। तो यहाँ सऊदी अरब में जो भी हुकूमत ऐलान करती है, बात करती है, आवाम उस पर गौर करती है, चाहे वो अजनबी है, चाहे यहाँ के लोग वतनी हैं, सऊदी हैं, वो अपने हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ खुदारा, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, वालदैन के लिए, घर से बाहर ना निकलें। पाकिस्तानी कौम से, पाकिस्तान के जितनी भी आवाम है और जितने भी मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो इंडिया के हैं, चाहे बांग्लादेश के हैं, चाहे कहीं से भी मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ अपने घर में रहें, अपना एहतियात कीजिए, अपने बच्चों को बाहर निकलने मत दीजिए। ये वायरस है, आपको पता है, ये एक दूसरे से हाथ मिलाने से, सलाम करने से, या नज़दीक बैठने से, या छींक के ज़रिए, हवा के ज़रिए एक दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र होता है। बराए करम, जैसे अभी हुकूमत जितनी भी सख्ताई कर रही है, सख्ती कर रही है, ये आपके फ़ायदे के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए कर रही है। और हुकूमत का साथ दीजिए, हुकूमत के शाना बशाना खड़े रहे, और पुलिस, जो पुलिस अहकमात जारी कर रहा है, उनका साथ दीजिए। पुलिस है, रेंजर है, या फौज है, जो कुछ भी कहे, डॉक्टर भी इस मोजी मर्ज के पीछे इसका इलाज ढूंढ रहे हैं, और कोई इलाज भी जारी है, इलाज भी कर रहे हैं। अभी देखो, पाकिस्तान में एक मरीज़ से शुरू होने वाला अभी 900,000 के करीब पहुंच गया है। अभी आप देखो, इटली में कितने बंदे मर गए हैं, चाइना में, ईरान में, अमेरिका में और जापान में इतने आदमी मर गए हैं और हॉस्पिटल में हैं, जगह भी नहीं है। इसलिए खुदारा, आपसे इल्तिजा है, प्लीज़ प्लीज़ घर से बाहर मत निकलें, ज़रूरत के वक्त निकलें और मास्क लेके निकलें, साथ में ग्लव्स इस्तेमाल करें, मास्क इस्तेमाल करें, ताकि आप इस मुजी मर्ज से बच सकें। आपसे मेरी यही इल्तिजा है, अपने घर में रहें, अपने बच्चों के साथ रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।